ईरान इसराइल से बदला लेने पर उतारू है। अमेरिका ने इसराइल की रक्षा के लिए अपने जंगी जहाज रवाना कर दिए हैं, तो उधर रूस भी ताल ठोक रहा है कि ईरान का साथ देगा। अब सवाल है कि क्या रूस यूक्रेन युद्ध और हमास इसराइल संघर्ष के बाद दुनिया एक और युद्ध के मुहाने पर पहुंच गई है। उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या ये युद्ध एटम बम वाला होगा। देखिए रिपोर्ट। खाड़ी खोल रही है, ईरान इसराइल के बीच तनाव चरम सीमा पर है। पश्चिमी मीडिया में रिपोर्ट छप रही है कि किसी भी वक्त ईरान इसराइल पर हमला कर सकता है। इसराइल कह रहा है कि वो ईरान की ओर से होने वाले किसी भी तरह के हमले से निपटने के लिए तैयार है। हालात चिंताजनक हैं। युद्ध की रणभेरी बजने से पहले ईरान और इसराइल दोनों जमीन से आसमान तक, पानी से लेकर पाताल तक अपनी शक्ति तौल रहे हैं। ईरान इसराइल युद्ध भड़कता है तो इसकी चिंगारी इन दो देशों के बीच ही सीमित नहीं रहेगी। ये आग मॉस्को भी पहुंचेगी, ये आग वॉशिंगटन भी पहुंचेगी और तब होगा दुनिया का अब तक का सबसे विनाशकारी युद्ध। सबसे भयंकर, सबसे ज्यादा रक्तपात वाला संग्राम, जिसमें जमीन तो इसराइल ईरान की होगी लेकिन आमने सामने होंगे दुनिया के दो ताकतवर देश अमेरिका और रूस। अमेरिका और रूस की तैयारी शुरू भी हो चुकी है। अमेरिका, जो कि पहले से ही मिडिल ईस्ट में अपनी जबरदस्त सैनिक क्षमता का प्रदर्शन करता रहा है, अब और आगे बढ़ रहा है। इसराइल पर ईरान की ओर से किसी भी संभावित हमले को रोकने के लिए अमेरिका ने भूमध्य सागर में अपने दो विध्वंसक जहाज उतार दिए हैं। पहला है यूएसएस कार्नी, जिसे अमेरिका ने अब तक लाल सागर में हूथी विद्रोहियों के हमले को रोकने के लिए खड़ा किया था और अब भूमध्य सागर की ओर कूच कर दिया है। इस विध्वंसक की डिटेल समझनी बहुत जरूरी है। यूएसएस कार्नी गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है। यूएसएस कार्नी अर्ले बर्ग श्रेणी का विध्वंसक है। यूएसएस कार्नी हार्पून एंटी शिप मिसाइल लॉन्चर से लैस है। 1996 से अमेरिकी नेवी में ये विध्वंसक अमेरिका का अग्रणी हथियार बना हुआ है। अमेरिका किसी भी कीमत पर इसराइल को हारते हुए नहीं देख सकता। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं कि अमेरिका को इसराइल की चिंता है, ऐसा इसलिए क्योंकि मध्य पूर्व में इसराइल अमेरिकी हितों का सबसे बड़ा पोषक है। ईरान से अमेरिका की कट्टर दुश्मनी है और खाड़ी देशों को उनकी मनमानी करने से रोकने के लिए भी अमेरिका को इसराइल का साथ देना ही होगा। ये बहुत बड़ी वजह है कि जिसे देखते हुए ईरान इसराइल के खिलाफ सीधी कार्रवाई करने से अब तक बचता रहा है, लेकिन अब इसराइल ने ईरान के सीरिया वाले दूतावास पर अटैक कर दिया है, जिसे ईरान बर्दाश्त करता है तो उसकी इमेज मुस्लिम देशों के बीच खराब होगी। ईरान मानता है कि मुस्लिम देशों में और इसराइल के खिलाफ झंडा लेकर आगे बढ़ने में वो सबसे आगे है, लिहाजा ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई इसराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए बैठक पर बैठक कर रहे हैं। और उधर अमेरिका साफ लहजे में कह रहा है कि ईरान को किसी भी कीमत पर रोकना होगा। सुनिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने क्या कहा है। We are devoted to the defense of Israel. We will support Israel. We will defend, help defend Israel, and Iran will not succeed. इसराइल को भी अमेरिका का ही सहारा है। ये अमेरिका ही है जो मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी इसराइल के साथ खड़ा होगा। इसीलिए ईरान के युद्ध छेड़ने की धमकी के बाद अमेरिकी नेवी का मूवमेंट तेज हो गया है। यूएसएस कार्नी विध्वंसक की डिटेल आपको दिखाई, अब दूसरे विध्वंसक से जुड़ी डिटेल देखिए। टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस ड्वाइट आइजनहावर लाल सागर के रास्ते इसराइल पहुंच रहा है।
ये ईरान की तरफ से दागी जाने वाली मिसाइल और ड्रोन को रोकने में सक्षम है। ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो परमाणु हथियार, अत्याधुनिक फाइटर जेट और रेडार सिस्टम से लैस है। इसकी क्षमता 5,000 सैनिकों को ले जाने की है। इराक और अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना के अभियानों में मदद पहुंचाने के लिए एक अहम भूमिका निभा चुका है। अमेरिका हमास इजराइल युद्ध भड़कने के साथ ही खाड़ी में केलेबंदी कर चुका है, लेकिन दिक्कत यह है कि अमेरिका के सामने सिर्फ ईरान या मुस्लिम देश नहीं खड़े होंगे, बल्कि खड़ा होगा रूस। रूस जो यूक्रेन युद्ध में अमेरिकी मदद के चलते अब तक लड़ता रहा, हजारों सैनिक गंवा चुका है, करोड़ों डॉलर फूंक चुका है, और अभी ना जाने युद्ध कब तक रूस का खून चूसेगा। इसलिए हो सकता है कि रूस ईरान इजराइल युद्ध छेड़ने की सूरत में अमेरिका से यूक्रेन वाला बदला लेने के लिए भिड़ जाए, यानी अमेरिका के जंग में कूदते ही ब्रिटेन समेत अन्य पश्चिमी देश भी इजराइल के साथ मोर्चा संभाल लेंगे। इस हालत में ईरान कमजोर पड़ेगा और उसे भी मदद की जरूरत होगी। यूक्रेन युद्ध में भी अमेरिका की मनाही के बावजूद ईरान ने रूस को भर भर कर ड्रोन सप्लाई किए हैं, जिसने यूक्रेन में खूब कहर मचाया है। हालांकि रूस ईरान से दोस्ती सिर्फ इसलिए नहीं निभाएगा कि उसने रूस की मदद की है, बल्कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए यह मौका होगा अमेरिका से बदला लेने का। अमेरिका जो कि नाटो देशों की ताकत मिलाकर दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, ईरान और सभी मुस्लिम देश एक साथ मिलकर भी उससे युद्ध नहीं जीत सकते, लिहाजा रूस उस वक्त अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। अमेरिका वो देश है जिसने पहले से ही मध्य पूर्व में अपना सैनिक जाल बिछा रखा है। उसकी भी डिटेल देखिए, मध्य पूर्व के 8 देशों में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती देखिए। तुर्की 1,465, ईराक 2,500, सीरिया 800, कुवैत 13,500, जॉर्डन 3,000, सऊदी अरब 2,700, कतर 10,000, संयुक्त अरब अमीरात 3,500। इस बीच इजराइल के पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू ने अपने F-15 बेस का दौरा किया है। इस दौरान नेतन्याहू ने ईरान को सीधी धमकी दी है कि अगर हमला किया तो इजराइल भी हिसाब बराबर करेगा। नेतन्याहू ने कहा है कि हम चुनौतीपूर्ण समय में, हम गाजा में युद्ध के बीच में जो पूरी ताकत से जारी है, बंधकों को वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं। खास बात यह है कि F-15 फाइटर जेट लंबी दूरी का वार करने के लिए इजराइल का प्राथमिक हथियार है। हमारा सिद्धांत सरल है, जो भी हम पर हमला करेगा हम उसे मारेंगे। ईरान किस वक्त इजराइल पर अटैक करेगा, इसके सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं, क्योंकि कोई भी देश तारीख और वक्त बताकर किसी देश के खिलाफ जंग नहीं छेड़ता। लेकिन ऐसा हुआ तो दुनिया वो युद्ध देखेगी जिसमें होने वाले नरसंहार के बारे में फिलहाल सिर्फ सोचा जा सकता है। मिडिल ईस्ट में दो ताकतवर देश भिड़े तो इसका असर पूरी दुनिया पर होगा। ऐसा भी कहा जा सकता है कि अप्रत्यक्ष तौर पर ये तीसरे विश्व युद्ध की तरह होगा।